दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ऑर्गेनाइजेशन का हमारे फैसिलिटीज हैं, प्रोजेक्ट हैं, प्लानिंग्स हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग्स में हमारी जो मेंटेनेंस कैसे होंगे, तो मेंटेनेंस के लिए जो दोस्तों हर कोचिंग सेंटर एक मोटी रकम मतलब मोटी फीस वसूल करते हैं, तो दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है कि जो मोटे फीस वसूल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के हेल्प के लिए बनी है। तो दोस्तों हम लोग एक चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है तो आप लोगों को जो फैसिलिटीज हम फ्री में देना होगा वो हम देंगे, और दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप लोग हमें सहयोग करें। जैसे कि दोस्तों कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है कोई भी सब्जेक्ट का, मतलब 10th क्लास का बच्चा है, 10th क्लास का स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का एक नॉमिनल फीस है, मतलब मिनिमम एवरेज निकालें थोड़ा सा बेस्ट एजुकेशन सेंटर की, तो वहाँ पे मान लीजिए कि एग्जांपल बोलते हैं कि 5,000 रुपये उसके सिलेबस का है, तो एग्जांपल अगर 5,000 रुपये उसका सिलेबस का है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर उसको एक छूट दी जाती है। दोस्तों कोई स्टूडेंट्स बेस्ट है, पढ़ना चाहता है आगे, तो उसके पेरेंट्स के ऊपर जो बोझ है 5,000 रुपये का वो मतलब सहन नहीं कर पाता है, तो क्या करता है कि अपने बच्चे को कोचिंग पढ़ाने या कहीं एजुकेशन सेंटर में भेजता नहीं है, क्योंकि उसके पास जो फंड है वो लिमिट है, मतलब 5,000 भी नहीं है, उसके पास एक मिनिमम फंड है जो अपने बच्चे को पढ़ा सके। दोस्तों कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे के ऊपर खर्च ना करे, ऐसा 100% स्टूडेंट मतलब पेरेंट्स मिलेंगे जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूर सोचते हैं, परंतु दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को ना सोचते हुए मत अपने जो एक्सपेंस है फालतू का, जैसे नशा हो गया, नशा तो कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं दोस्तों, बुरा लगेगा जो नशा करते होंगे, जो इस तरह के एक्टिविटी करते होंगे, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते होंगे परंतु अपने जो नशा है उस नशा में डूबे रहते हैं, जैसे गलत नशा, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, पान हो गया, जहाँ तक कि अल्कोहल हो गया, इस तरह की सारी जो नशा है सारे नशा में डूबे रहते हैं और अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। दोस्तों इन जैसे पेरेंट्स को, कोई भी इस तरह के पेरेंट्स हो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों का भविष्य के लिए आप बेस्ट सोचें, बेटर सोचें। नशा आप करते हैं इस नशा को कम करिए, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं तो कम करिए। दोस्तों आग्रह तो ये होगी कि आप लोग जो भी मतलब नशा छोड़ सकते हो तो कृपया करके छोड़िए, क्योंकि नशा आपका जीवन मतलब आपका जीवन तो बर्बाद कर ही रहा है, परंतु साथ ही साथ आपका जो संतान है, जो आपका बच्चा है, उसका भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग भली भांति समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो आपकी मूर्खता होगी दोस्तों, बुरा लगेगा मेरी बातें, परंतु एजुकेशन के नाम पर अगर इस तरह के गलतियां कर रहे हैं, एजुकेशन के अगर आपके बच्चों का भविष्य संभालना है उसको न संभालते हुए ये गलती कर रहे हैं तो आप एक तरह से मतलब बहुत बड़ा गलत कदम उठा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो इस तरह के गलत एक्टिविटी करते हैं इसको दूर करके अपने जो बच्चे हैं इनके भविष्य के लिए सोचिए। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैं अपने बातों से थोड़ा सा अलग ट्रेन जाने लगा था, क्योंकि अलग ही मैटर है ये, ठीक है। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे, वापस से उसी ट्रैक पे आएंगे। तो दोस्तों जो हम 5,000 फीस है मान लीजिए 10th क्लास के बच्चों का, उसके पेरेंट्स के पास वो 5,000 रुपया नहीं है, कम पैसा है, तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे साथ साथ हमारे जो जिस तरह से ज़िंदगी हमारा कटा है, जिस तरह से हम एजुकेशन मुझे मिला है, उस चीज़ को फील करते हुए हमने एक बेस्ट जो एजुकेशन का प्लान है, 2015 से मैं अपने इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई है, मैं जो अपना टेक्निकल पढ़ाई था उस पढ़ाई के बाद मैं इस पे अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों ये हमारा टारगेट है कि जिसके पास कम आय है, जिसके पास कम बजट है, उसको बेस्ट एजुकेशन कैसे मिले। आज जो एजुकेशन है ये एक अलग ही लेवल पे जा रहा है दोस्तों, इसका लेवल ही अलग बढ़ते जा रहा है, एक तरह से व्यवसाय बन गया है एजुकेशन। तो दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटो है कि व्यवसाय न बनाएं, और साथ ही साथ जो बच्चों का इम्प्लीमेंट है, जो बच्चों का डेवलपमेंट है उस पर काम करें, बच्चों के एजुकेशन पर काम करें। तो दोस्तों अगर उस स्थिति में जो उसके पास 5,000 रुपये नहीं है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उसको 50% से लेकर 75% के बीच में मतलब एजुकेशन का जो हम फैसिलिटीज़ है, फीस है, उनसे हम वसूलते हैं। कारण ये है दोस्तों, ये भी नहीं लेते, परंतु जो हमारे साथ काम करते हैं, कोई भी परिवार, कोई भी टीचर है, या कोई भी हमारा प्लेस हम चूज करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी प्लेस चूज करते हैं, वहाँ पर कोई फ्री में कोई चीज़ें नहीं मिलती है,
टीचर हो उसको एक्सपेंस चाहिए, मतलब उसकी एक सैलरी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई हम स्पेस चूज किए हैं, कोई जगह मतलब सेंटर खोले हैं, तो वहाँ पर रेंटल चाहिए। दोस्तों अगर सोचो कि कोई भी अपना बिल्डिंग फ्री में दे दे तो ये पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी ऐसा आज तक नहीं मिला जो अपने बिल्डिंग को फ्री में दे और सेंटर खुलवा कर वहाँ पर एजुकेशन समाज सेवा के बारे में कुछ काम करे। दोस्तों अभी तक ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला, परंतु हमारी कोशिश रहती है कि जो सिटीज़ एरिया हैं वहाँ पर एक मिनिमम जो चार्जेस है रेंटल एरिया है वहाँ पर रेंट देकर सेंटर बेस्ट को सेंटर खोले जाए। साथ ही दोस्तों जो रूरल एरिया हैं उनका अलग ही प्रावधान है। इस तरह की जो सिस्टम है उस सिस्टम को आगे अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा। दोस्तों बार बार हम अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है उसका फीस 5000 रुपया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो 5000 नहीं दे पाता है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उससे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड हम कराएंगे आपको कितने फीस में, तो उसका हाफ और उसके आपके एजुकेशन आपके परसेंटेज सबके माध्यम से वो निर्धारित किया जाएगा। मतलब 49% अर्बन एरिया में, मतलब सेमी अर्बन एरिया में हम फीस बच्चों से लेते हैं। साथ ही दोस्तों एवरेज जो बच्चे होते हैं उनसे। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि अब जिसके पास इतना फीस है तो देगा हम, मगर कुछ अल्ट्रा है हमने इसमें छूट रखी है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इस अपने जो सेंटर हैं इस सेंटर में किस तरह के और बच्चे को हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा हम छूट देंगे, तो दोस्तों ये भी शेयर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि मेघावी छात्र, जो छात्र सबसे बेस्ट हैं उस छात्र को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 49% पर, मान लीजिए एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि 5000 के बता रखे चल रहे हैं, ठीक है ना, सिलेबस की 5000 रुपये, तो उसके अकॉर्डिंग 49% पर मेघावी छात्र को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में, मतलब ज्ञानदेव एकेडमी के सेंटर में एडमिशन उनको मिलेगा और उनका फीस मतलब 49% तक लगेगा मेघावी छात्र को। दोस्तों अब इसमें दूसरी बात करेंगे कि इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेंटर हैं इसमें स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था है। हमारे जो प्रोजेक्ट हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ही मतलब स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड कराते हैं जो मेघावी छात्र होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, मेघावी छात्रों को अलग से और साथ ही साथ जो स्कॉलर्स बच्चे होते हैं कि तो टॉपर होंगे या गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ छूट मिलता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब स्कॉलरशिप में आता है। स्कॉलरशिप की व्यवस्था हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, कोई भी कोचिंग सेंटर इस तरह की व्यवस्था नहीं देती है, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है ना, इसके माध्यम से हम बच्चों को इस तरह की फैसिलिटीज दे पाते हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, दोस्तों जो टॉपर्स बच्चे हैं जो जिस बोर्ड में है, सीबीएसई हो सीबीएसई में टॉपर है, अगर बिहार बोर्ड हो या हिंदी मीडियम का जो भी मीडियम से उस मीडियम का बच्चा हो वो टॉपर है, उस टॉपर बच्चे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट भी करती है, साथ ही साथ उनका जो फीस होता है बिल्कुल माफ होता है, कोई भी उनका फीस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में नहीं लगते हैं। इस खास सर्विस है इसलिए कि वो बच्चा समाज को एक अलग ही ट्रैक पर ले जा सकता है। दोस्तों आप लोग कोशिश करें कि आप एक अपने आप को टॉपर बनाएं, साथ ही साथ टॉपर के साथ साथ एक समाज में जो अपना प्रतिबिंब है अलग से छाप छोड़ें, क्योंकि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ से मिलती है। दोस्तों अब फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, दोस्तों फोर्थ पॉइंट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हमारे सेंटर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से हो, चाहे हमारे जो कंपटीशन एग्जाम का जो कंपटीशन लेवल है, जैसे मान लीजिए कि NTSC हम लोग ये एग्जाम फाइट कराते हैं, NTSC नेशनल टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन, इस तरह के जो एग्जाम्स हैं इस एग्जाम के माध्यम से जो बच्चे टॉप करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में एक तो फ्री पढ़ेंगे, दूसरा है कि उनको एक लैपटॉप चाहे मोबाइल या टैबलेट या एजुकेशन के रिलेटेड जो एजुकेट उनको कर सके उनके रिलेटेड कोई इक्विपमेंट मतलब सामान उनको मुहैया किया जाता है। दोस्तों इस तरह की फैसिलिटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खासकर है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की फैसिलिटीज अब तक नहीं देती है। दोस्तों पाँचवा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इस तरह का कोई भी टॉपर्स बच्चा होता है स्टेट लेवल का तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आजीवन उसको किसी भी तरह का एजुकेशन अगर ग्रहण करना चाहता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको आजीवन फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। दोस्तों ये सारी जो फैसिलिटीज है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की फैसिलिटीज नहीं देती है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस तरह की फैसिलिटीज नहीं देती है, तो आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एकेडमिक सेंटर है इस सेंटर के माध्यम से जहां भी जुड़ना चाहते हैं, जहां अगर कोई टीचर्स है इस टीचर को कोई भी फ्रेंचाइजी मोड में ले जाना चाहता है, तो आप लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर मतलब
काम कर सकते हैं, कोई भी फ्रेंचाइजी मोड में अगर लाकर आप वहां पे फ्रेंचाइजी खोलकर अपना सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर सपोर्ट देने का प्रयास किया जाएगा। जो फैसिलिटीज आप लोग के पास अभी कमी है, इकट्ठा करके सारी चीज को बेस्ट बनाकर उस सेंटर को और बेस्ट बनाया जाएगा, आपका ही सेंटर को फ्रेंचाइजी मोड पे आप लाते हो तो। बहुत सारी चीजें हैं कि आप अगर आप इस तरह की फैसिलिटीज में जुड़ना चाहते हो, कोई स्टूडेंट्स हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारे सेंटर्स हैं इस सेंटर में आकर एडमिशन ले लें। एडमिशन स्टार्टअप है, ठीक है ना। ससाराम के हम एड्रेस जो है जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मेंशन कर देता हूँ, मतलब जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उनका डिटेल्स सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर समझ में भी नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी माध्यम से आप वहाँ पर फॉलो करते हुए आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा माध्यम है, जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे शेयर कर देता हूँ ताकि इजीली आप कांटेक्ट करके वहाँ पे जा सको और उनसे बात करके अपना जो ज्वाइनिंग करना चाहते हो, अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो सेंटर में आकर आराम से इजीली आप एडमिशन ले लो। दोस्तों ये हमारा उद्देश्य है कि बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन समाज को दिया जाए और सस्ते दामों पर, मतलब जो फैसिलिटीज हैं ये बेस्ट फैसिलिटीज के साथ, जो हमारी सर्विस है इस सर्विस को लेने देने में जो भी एक्सपेंस आते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आप कर दोगे तो और जो समाज का उन्नति है समाज की उन्नति में अब बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। दोस्तों अंत में आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहाँ पे मोटी फीस आप वहाँ पे देते हो और हर टीचर हर सेंटर अपना वसूल कर भी लेती है, परंतु दोस्तों यहाँ पर छोटा सा कोऑर्डिनेशन है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा उद्देश्य ही है कि समाज को एक अच्छी शिक्षा दी जाए, परंतु अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मतलब अपने फीस को देकर आप कर सकते हैं। आपका जो फीस है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर 10,000 दे देते हो 5,000 दे देते हो उसका हाफ देकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हाफ प्लस में जो हमारे सिस्टम है उस सिस्टम के साथ जुड़कर काम कर सकते हो और यहाँ पर एजुकेशन जो है बेस्ट क्वालिटी का दिया जाता है। 2015 से लेकर 2022 चल रहा है, ये 2022 तक हमारी जो सेंटर्स हैं भरपूर प्रयास करते हैं कि डेवलपमेंट करते रहे, नया नया इम्प्लीमेंट करते रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब आपके बदौलत हो पाता है, आप पेरेंट्स के बदौलत हो पाता है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी हैं जहाँ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर कोई टीचर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है अगर कहीं आपके यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहते हो वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एजुकेशन सिस्टम है इसके सपोर्ट करें, साथ ही दोस्तों आप लोग जहाँ से भी हैं वहाँ से कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए ना तो आपको इजीली नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके और फिर आप उस चीज को अपडेट जो आएंगे उस चीज को देख पाओगे फिर उसका लाभ भी उठा पाओगे। दोस्तों अंत में एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो वीडियो आते हैं इसको शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि आप लोग ना आप लोग का जो आप देख लेते हो तो आपको तो बेनिफिट मिल गया, परंतु ये जो बेनिफिट से सर्विस है इस सर्विस को दूसरे को भी शेयर करोगे तो हो सकता है उनकी भी नीड पूरी हो सके। दोस्तों ये अगर करते हो तो एक समाज में जो सहयोग है ये सहयोग में कोऑर्डिनेशन आप करते जा रहे हो, ठीक है ना। दोस्तों तो आप लोगों से निवेदन है कि शेयर कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ जो भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, भरपूर प्रयास किया जाएगा कि आपके जो नीड्स है जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको पूरी किया जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।